हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें आपको दो लेसन आने वाले हैं, ठीक है ना। आपके सिलेबस में तीन लेसन मेंशन किए हैं, 1, 2 एंड 3। तो तीन लेसन की आपको प्रिपरेशन करना है अगले नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है बेटा। तो तीनों लेसन आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो उसमें जितने भी रिलेटेड एक्सरसाइज है, कंटेंट है, आप उसे बार बार पढ़िए और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, लर्न करिए, ठीक है ना। आज हम इस पीरियड में लेसन नंबर 1, ठीक है ना, कंप्यूटर सब्जेक्ट का लेसन नंबर 1 उसको फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं, मैं से रिविजन ले रहे हैं। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड लिसन ऑल दी कंटेंट्स, ओके। आपको जो भी हम समझा रहे हैं या फिर क्वेश्चन आंसर के ऊपर रिवीजन ले रहे हैं वो आपको समझना है, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले आपको अपना जो टेक्स्ट बुक है उसको ओपन करके रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आज इस पीरियड में हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो क्लास 1 सब्जेक्ट कंप्यूटर, ओके, रिवाइज द मींस रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 1। तो लेसन नंबर 1 में जो मेन कंटेंट देखे उसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन और आंसर भी देखे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर इट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर, ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसका रिवीजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसीलिए इस पीरियड में आज हम कंप्यूटर मशीन इस लेसन पे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक्सरसाइज वाला जो भाग है उसके ऊपर रिवीजन लेंगे। सो स्टूडेंट्स, जस्ट टेक योर बुक फ्रॉम द फर्स्ट पेज, पहले पेज से हम इसका रिवीजन लेते बेटा। तो आपको अपने बुक में कॉन्सेंट्रेशन करना है, जैसे क्विक लर्न में आपको दिया है नंबर 1 पेज नंबर क्विक लर्न में दिया है कि टेक राइट द नेचुरल थिंग्स, ठीक है ना। ये जो बॉक्स है इसमें नेचुरल थिंग्स कौन कौन सी है उस पर टिक करना है। तो इसमें जैसे फर्स्ट में आपको डॉग दिया है, डॉग नेचुरल थिंग है क्या? नो। काउ नेचुरल थिंग है क्या? नो। बट सॉइल मींस मिट्टी, तो सॉइल पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है सॉइल। तो इसके आगे जो बॉक्स दिया हुआ है आपको उसमें राइट करना है, ठीक है ना, पेंसिल से। देन उसके बाद आपको ट्री दिया हुआ है, ट्री, तो ट्री के आगे भी एक बॉक्स दिया है, इन फ्रंट ऑफ ट्री वर्ड इज अ बॉक्स, सो जस्ट क्लिक ऑन, आपको क्या करना है उस पर टिक करना है पेंसिल से। देन पेन, पेन के आगे भी एक आपको बॉक्स दिया गया, उसके बाद वाटर है नेक्स्ट वर्ड, तो वाटर ये जो है ये नेचुरल थिंग्स है, पेन जो है नेचुरल थिंग्स नहीं है, क्योंकि पेन को इंसान ने बनाया, इट इज द मैन मेड थिंग। सो वाटर में नेचुरल थिंग्स है और एंड दैट्स व्हाई इसको आपको क्या करना है, पेंसिल से टिक करना है, राइट करना है। सो दैट एक्टिविटी इज कंप्लीटेड हियर, ओके। ये जो एक्टिविटी है आपकी कंप्लीट होती है बुक में पेज नंबर 1, ये सारी चीजें आपको करना है बेटा, ओके। सो जस्ट दैट इज द एक्टिविटी यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक, ये आपको टेक्स्ट बुक में करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बुक में से आगे का देखेंगे। नेक्स्ट जो एक्टिविटी दिया है आपको बेटा बुक में उसको हम देखते हैं, पेज नंबर 4। इसके बाद टर्न द पेज, आपको पेज टर्न करना है। पेज नंबर 4 में एक एक्टिविटी दी है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 6 मशीनेस, आपको 6 मशीनेस के नेम्स फाइंड आउट करना है इन द मेज गिवन बिलो। एक मेज दिया हुआ है आपको टेक्स्ट बुक में, वहां से आपको 6 मशीनेस के जो नेम्स आपको हाईलाइट किए गए हैं उस नेम को फाइंड आउट करना है और इनसर्कल करना है पेंसिल से, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट जो है मिक्सर, तो मिक्सर जो है ये फर्स्ट लाइन में आपको दिया है, ठीक है ना, फर्स्ट जो हॉरिजेंटल लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है ना, हॉरिजेंटल, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट आड़ा सीधा जो लाइन दिखाई दे रहा है उसमें आपको मिक्सर ये जो वर्ड है आपको मिल जाएगा। देन फैन, फैन जो है ये आपका मिडल में दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट में
आपने ए आपको खुद को लॉजिक लगाकर फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट मिक्सर, ठीक है ना, सेकंड वर्ड जो दिया है आपको फैन, देन ट्रक, नंबर थ्री ट्रक, नंबर फोर कूलर, नंबर फाइव कार, सी ए आर कार, देन नंबर सिक्स कंप्यूटर, कंप्यूटर। सो दीज आर दी वर्ड्स ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं। इससे जो मेज है उस मेज में से फाइंड आउट करना है ये सारे वर्ड और उसको पेंसिल से इंसर्कल करना है। क्लियर? तो बेटा ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर एंड करते हैं, हम यहाँ कंप्लीट करते हैं, ये आपका टास्क है, आपको फुलफिल करना है। क्लियर? देन नेक्स्ट वी विल सी दी एक्सरसाइजेस। ओके, अभी एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पेज इसका दिया हुआ है कि टिक द मशीनेस दैट वी यूज एट होम, मैंने आपको कुछ मशीनेस के पिक्चर दिए हुए हैं और आप जिसको घर में यूज करते हो, घर में उसका वापर होता है, ऐसे मशीनेस को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और जो हेल्प बॉक्स दिया है उसमें आपको टिक करना है, ठीक है ना। तो जैसे एक्सरसाइज ए में दिया है टिक द, आपको टिक करना है टिक द मशीनेस, ठीक है ना, मशीनेस दैट वी यूज एट आवर होम, दैट वी यूज एट आवर होम, ठीक है, जिनका उपयोग हम घर में करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने हैं, 9 पिक्चर्स दिए हैं। तो जैसे आपका घर में कौन कौन सी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल होता है, यूज करते हो, उसके आगे एक छोटा सा बॉक्स दिया है वाइट कलर में, ठीक है ना। तो आपको पेंसिल से उसका उसको टिक करना है। जैसे जिस जिनकी यहाँ कार है तो कार पे टिक करेंगे, जिनके यहाँ मिक्सर है, मिक्सर तो कंपलसरी रहती है तो उस पर टिक करिए, देन वॉशिंग मशीन है, एरोप्लेन, आयरन प्रेस, हेलीकॉप्टर, ओके, देन कूलर, फैन, स्विमिंग मशीन। तो इसमें से आपके घर में कौन कौन से उपलब्ध है या फिर घर में मौजूद है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको क्या करना है, टिक करना है। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जनरली नहीं होगा, ठीक है ना। देन उसके बाद ये जो एक्टिविटी है बेटा ये आपको खुद करना है। मीन्स ये क्यों करने बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके घर में कार है तो कार को क्लिक करोगे, ठीक है ना। तो मीन्स इससे डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके घर में क्या है, ठीक है। उसके बाद बी सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो दिया है बी, ये इज कंप्लीटेड हियर, ओके, नाउ द बी, इसके बाद बी देखेंगे हम, तो बी में आपको ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, यानी जो स्टेटमेंट है, वाक्य जो है दिया हुआ, सेंटेंस जो दिया है वो सही है या फिर गलत। अगर सही है आप तो आपको टी लिखना है, टी आपको उस बॉक्स में टी, टी फॉर ट्रू, और जो गलत है उसके लिए एफ लिखना है, वो भी पेंसिल से, या फॉर फॉल्स यानी गलत के लिए। तो अभी फर्स्ट जो हम इसमें देखेंगे, मशीनेस आर नेचुरल थिंग्स, ठीक है ना। तो इसका आपको जो आंसर है मैं डायरेक्टली बोर्ड पे लिखता हूँ बेटा, ठीक है, आपको ये जो आंसर है बॉक्स में लिखना है। तो जैसे आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में कॉन्सेंट्रेशन करिए, मैं आपको पढ़ के बताता और डायरेक्ट मैं आंसर लिखता, तो वो जो आंसर है आपको गिवन बॉक्स में लिखना है और याद करना है, ठीक है ना। जैसे मशीनेस आर नेचुरल थिंग्स, मशीनेस नेचुरल थिंग्स नहीं है, मशीन बनाई जाती है इंसानों के द्वारा, और इसीलिए वो जो सेंटेंस है वो फॉल्स है, मीन्स फॉल्स के लिए हमें यफ लिखना है। देन उसके बाद सेकेंड आंसर देखेंगे हम,
तो आपको क्या करना है, जो एफ है फर्स्ट वाला जो बॉक्स दिया है सेंटेंस के आगे, उसमें आपको एफ लिखना है, क्लियर, वो भी पेंसिल से। देन नेक्स्ट, अ टेबल इज द मशीन। टेबल मशीन है? नो, इट इज द थिंग। वो क्या है, एक वस्तु है, फर है, वुड से बनाया हुआ, ठीक है ना, लकड़ी से बनाई हुई एक वस्तु है। सो दैट विल बी अ फॉल्स, और इसीलिए फॉल्स का हमें एफ लिखना है। नंबर थ्री देखते हैं हम, जस्ट कॉन्सेंट्रेट इन योर टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में कॉन्सेंट्रेशन करना है। और मशीन है सेव आवर टाइम, ऑब्वियसली आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो उस पर आप वर्क करोगे तो आपका समय बचेगा, ठीक है ना। जैसे हम पहले पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, अभी हम बाइक से चलते, वैन से चलते, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, हमारा समय बचता है, और इसीलिए ये जो है नंबर थ्री आंसर विल बी ट्रू, दैट विल बी ट्रू। नाउ आफ्टर दैट नंबर फोर, यू आर हियर, यू कैन वॉच मूवी ऑन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पे मूवी भी देख सकते हो, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ये क्या है, ट्रू है। नंबर फोर जो सेंटेंस दिया है वो भी क्या है, ट्रू है। देन लास्ट गिवन हियर, यू कैन नॉट प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पे गेम नहीं खेल सकते, आप खेल सकते हो, अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल है गेम तो आप जरूर उसमें गेम खेल सकते हो। सो यू कांट बोलना है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है, लास्ट वन इज द फॉल्स, क्लियर। सो नाउ हियर बी सेक्शन इज कंप्लीटेड हियर, ओके, यहाँ पर बी सेक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, नंबर सी इज हियर, विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक यू कैन वॉच इन दिस टेक्स्ट बुक। सो व्हाट इज हियर, एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक्स, सी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आपको एक बॉक्स दिया है उसमें ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, तो इस ऑप्शन को आपको जो ब्लैंक स्पेस है उसमें फिल करना है। जैसे फर्स्ट वन है, हियर इज ब्लैंक स्पेस थिंग्स, तो इसमें नेचुरल आएगा, ठीक है। सेकेंड है, अ मशीन इज अ ह्यूमन मेड थिंग, यानी मशीन कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है, और इसीलिए मशीन को ह्यूमन मेड थिंग्स कहा गया है। देन थर्ड है, कंप्यूटर इज अ मशीन, ब्लैंक स्पेस में स्मार्ट मशीन आएगा, ठीक है ना, तो स्मार्ट वर्ड आपको इस ब्लैंक स्पेस में पुट करना है। देन नंबर फोर, यू कैन प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर, ठीक है, आप कंप्यूटर पे गेम्स भी खेल सकते हो, तो गेम्स विल बी हियर इन दिस ब्लैंक स्पेस। देन आफ्टर दैट नंबर फाइव, अ कंप्यूटर रन्स ऑन ब्लैंक स्पेस, किसके ऊपर कंप्यूटर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी में लाइट की आवश्यकता होती है। सो नंबर फाइव, ब्लैंक स्पेस विल बी द इलेक्ट्रिसिटी। सो जस्ट पुट दिस वर्ड, आपको ये सारे वर्ड्स पुट करना है, रखना है, ठीक है ना, और ये जो पोर्शन है नंबर सी सेक्शन, इसको फुलफिल करना है। इसके बाद डी जो है मैच द पेयर्स, ठीक है ना, वो आपको आइडेंटिफाई करना है पिक्स के द्वारा, और उसको बाय एरो से आपको उसको मैच करने है, ओके। सो बेटा, दैट वाज द एक्सरसाइज पोर्शन फ्रॉम लेसन नंबर वन। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और आपको सारे एक्सरसाइज फुलफिल करना है, सारे क्वेश्चन आपको लर्न करना है, एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, ओके। सो स्टूडेंट, दैट वाज द रिवीजन पोर्शन विच आई एक्सप्लेन इन दिस पीरियड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली, ओके। इन द नेक्स्ट पीरियड आई विल कम विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल, बाय।